आपने देखा समस्तीपुर में कैसे मॉब लिंचिंग हुआ, जदयू के नेता का ही मॉब लिंचिंग हुआ। जदयू बीजेपी के साथ है और बीजेपी के लोग जदयू के लोग मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं। तो ये सारे सवाल, शिक्षा के सवाल, रोजगार के सवाल, लोकतंत्र के सवाल, ये तमाम सवाल और बिहार को जो भगवाकरण करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जारी है, ये तमाम सत्र का आज पहला दिन है और हमारे साथ इस वक्त माले के विधायक हैं सर, आप लोग आज पहले ही दिन घेरने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जानते हैं कि पूरे बिहार में किस तरीके से बिहार का माहौल जो है वो खराब हो रहा है, कानून व्यवस्था का हाल जो है वो बहुत बुरा है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम विधानसभा में बोलेंगे। आपने देखा समस्तीपुर में कैसे मॉब लिंचिंग हुआ, जदयू के नेता का ही मॉब लिंचिंग हुआ। जदयू बीजेपी के साथ है और बीजेपी के लोग जदयू के लोग मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं। तो ये सारे सवाल, शिक्षा के सवाल, रोजगार के सवाल, लोकतंत्र के सवाल, ये तमाम सवाल और बिहार को जो भगवाकरण करने की कोशिश बीजेपी की तरफ जारी है, ये तमाम सवाल आज रहेंगे। बिल्कुल, अभिभाषण जो होगा उसमें हम देखेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। हमारे तरफ से भी हमारे कॉमरेड अपनी बात को रखेंगे। हिजाब का जो विवाद का सवाल, आप जानते हैं कि पूरे देश का भगवाकरण करने का कोशिश चल रहा है, जिसमें भी बिहार भी शामिल है। बिहार में भी एक जदयू के नेता को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा, उनकी हत्या हुई और पूरे कर्नाटका से लेकर दक्षिण भारत और पूरे देश में हिजाब प्रकरण ला करके, हिजाब को सवाल बना करके देश को जो है एक दूसरे धर्मों में लड़ाने की कोशिश चल रही है। सरकार का ये कहना है कि सुशासन का राज है, लेकिन लिंचिंग पर आप लोग सवाल पहले ही दिन घेरने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, सुशासन की सरकार कहाँ है, रोज लिंचिंग हो रहा है, ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में। सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं। ऐसे समय में सामाजिक सामंजस्य और समरसता कहाँ रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बिहार में नहीं ला रहे हैं, देश की राजनीति में बिहार जुड़ा हुआ है। बिहार देश से बाहर नहीं है, उत्तर प्रदेश का सवाल देश का सवाल है। तो हमारे साथ माले के विधायक थे जो इस वक्त जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनादेश का अपमान नहीं सहेगा बिहार भाजपा, यदि याद रखें वोटों का अंतर केवल 12,000 का है। तो लगातार विपक्ष के जो विधायक है, माले हो या CPIM, जो भी माले में पार्टियाँ शामिल है, वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हिजाब का मामला भी विधानसभा में उठने वाला है इस बार, और मुख्य रूप से जो मॉब लिंचिंग हुआ है जदयू के जो नेता हैं वो, उसके बारे में विधान परिषद में, विधानसभा में बात को उठाया जाएगा। सर, मॉब लिंचिंग का आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, पूरा जबरदस्त इस सवाल को लेकर के हम लोग सवाल उठाएंगे। ये अभी समझ लीजिए कि जिस तरह से भाजपाकरण किया जा रहा है, भगवाकरण किया जा रहा है, नीतीश कुमार चुपचाप हैं और भाजपा के पूरे एजेंडा को लागू करवाने में लगे हुए।